शाहरुख खान की बेटी, अजय देवगन की बेटी और बाकी स्टार्स की बेटी किसको कर रही है डेट, और इन्होंने कितने बॉयफ्रेंड बदल चुके हैं, और कौन है तमन्ना भाटिया का बॉयफ्रेंड, अनन्या पांडे आज की डेट में किसे डेट कर रही है। ऐसे ही बॉलीवुड जगत से कुछ कपल्स के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक बने रहिएगा। नंबर एक, तमन्ना भाटिया एंड विजय वर्मा। दोस्तों सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड टॉलीवुड तमन्ना भाटिया की। तमन्ना अपनी एक्टिंग और कातिलाना अदाओं की वजह से तो जानी ही जाती है, लेकिन कुछ समय से इनके नाम एक और मिर्च मसाले वाली कॉन्ट्रोवर्सी दर्ज हो गई है और तमन्ना के साथ विजय वर्मा फेमस एक्टर का नाम जोड़ा जा रहा है। मीडिया जगत की आंखें तो तब चार हुई जब गोवा में न्यू ईयर की सेलिब्रेशन पार्टी के दौरान विजय वर्मा को तमन्ना के साथ हग और किस करते हुए देखा गया। इन दोनों को ऐसे क्लोज देखकर सबकी सुई इनके रिलेशन पर आकर टिक गई है। आपको बता दें कि इन दोनों की मुलाकात लस्ट स्टोरी 2 के सेट पर पहली बार हुई थी। इस मूवी में इन दोनों का किसिंग सीन भी काफी वायरल हुआ था और शायद यही नजदीकी आज रिलेशनशिप की वजह बनी है। वैसे कुछ भी हो, दोनों की जोड़ी काफी सुर्खियों में बनी है, क्योंकि भाई दोनों ही सितारे फिल्मी इंडस्ट्री के जाने माने चेहरे जो है। नंबर दो, अनन्या पांडे एंड आदित्य रॉय कपूर। दोस्तों अब हम बात करने वाले हैं बॉलीवुड के दो ऐसे सितारों की जो कि अपनी एक्टिंग और मासूमियत से लोगों के दिलों पर छाए हुए हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अनन्या पांडे और आदित्य रॉय कपूर की। अब आप सोच रहे होंगे कि इन दोनों ने तो कोई एक साथ फिल्म भी नहीं की, तो फिर इन दोनों का टाका कैसे फिट हो गया। तो भाई जब दिल मिलने हो तो कैसे भी रास्ता बन ही जाता है। वैसे इन दोनों को कई बार फ्रेंड्स पार्टी में एंजॉय करते हुए देखा गया और फिर फीफा के सेमीफिनाले और करण जौहर की बर्थडे पार्टी में भी ये दोनों साथ में ही देखे गए थे। और हाल ही की बात करें तो इन दोनों को स्पेन और पुर्तगाल में भी स्पॉट किया गया था, जहां ये दोनों न सिर्फ हाथ में हाथ डाले बल्कि एक दूसरे की बाहों में भी साफ नजर आ रहे थे। वैसे तो इन दोनों की एज में काफी डिफरेंस है, जहां अनन्या 24 साल की है, वहीं आदित्य भी 38 साल के हैं। लेकिन कहते हैं प्यार में उम्र नहीं सिर्फ हम सफर देखा जाता है, तो बस ये दोनों पंछी भी इश्क के सागर में गोते लगाते नजर आ रहे हैं। नंबर तीन, पलक तिवारी एंड इब्राहिम अली खान। चलिए अब हम दो ऐसे चेहरों की बात करते हैं जो की काफी खूबसूरत होने के साथ साथ फेमस भी है। लेकिन इनके बारे में जानने से पहले जरा वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपने पेज को फॉलो नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। अब इस लिस्ट में अगले कपल का नाम पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान है, जो कि आपने बिल्कुल ठीक पहचाना। पलक तिवारी श्वेता तिवारी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री और टीवी सीरियल की जानी मानी अदाकारा है, ये उनकी बेटी है। वहीं इब्राहिम खान को कौन नहीं जानता, सैफ अली खान बॉलीवुड का वो नाम जिन्होंने एक से एक बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, ये उनके बेटे हैं। काफी वक्त से इब्राहिम और पलक का नाम एक साथ जोड़ा जा रहा है, क्योंकि मीडिया जिससे कोई भी राज नहीं छुप सकता उसने इन दोनों को कई बार मल्टीपल पार्टीज और इवेंट्स में एक साथ देखा है। और जब मीडिया ने दोनों को एक साथ कैप्चर करने की कोशिश की तो हर बार पलक अपना चेहरा छुपाती हुई नजर आई हैं। लगता है पलक अपना रिलेशन किसी को जाहिर नहीं करना चाहती हैं। यही वजह है कि वो मीडिया के सामने खुलकर इब्राहिम के साथ नजर नहीं आती हैं। नंबर चार, सिद्धांत चतुर्वेदी एंड नव्या नवेली नंदा। अगर आपको अमिताभ बच्चन की ग्रैंड डॉटर नव्या नवेली नंदा के बारे में नहीं पता तो आपको बता दें कि आज की डेट में इनका नाम भी काफी सुर्खियों में बना हुआ है, क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि नव्या नवेली नंदा बॉलीवुड के फेमस एक्टर सिद्धांत के साथ डेटिंग शेडिंग कर रही है। हालांकि अभी नव्या को फिल्म में आने का मौका नहीं मिला है, लेकिन जल्द ही ये फिल्मों में अपनी अदाओं का जलवा बिखेरती हुई नजर आ सकती हैं। अगर इन लव बर्ड्स की बात की जाए तो ये दोनों कुछ टाइम पहले गोवा वेकेशन मनाने के लिए भी गए थे और मीडिया के चंगुल में आ फंसे। सिर्फ इतना ही नहीं, दोनों को एक साथ कार में भी देखा गया है। इसके अलावा दोनों को कई सेलिब्रिटीज की पार्टी में एक साथ डांस करते हुए भी देखा गया है। लगता है ये लव बर्ड्स भी अपनी प्रेम कहानी रिवील नहीं करना चाहते, इसलिए छुप छुप कर अपनी कहानी आगे बढ़ा रहे हैं। नंबर पाँच, सुहाना खान एंड अगस्त्य नंदा। दोस्तों कई बार शाहरुख खान जैसे बेहतरीन सुपरस्टार भी कॉन्ट्रोवर्सी का शिकार हुए हैं और अब उनकी लाडली बेटी सुहाना खान खबरों में छाई हुई हैं। वैसे इनके बेटे आर्यन खान के बारे में तो आप जानते ही हैं। कुछ समय पहले हर एक की जुबा पर आर्यन खान का नाम ही था, क्योंकि भाई कुछ केस ही ऐसा था। खैर सुहाना खान की बात करें तो इनके बारे में भी कहा जा रहा है कि ये अगस्त्य नंदा के साथ रिलेशनशिप में। अगर आपको अगस्त्य नंदा के बारे में नहीं पता है तो आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन के ग्रैंड सन अगस्त्य नंदा ही है, यानी भाई दोनों ही जानी मानी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अब ऐसे में मीडिया की नजर इन पर होना तो लाजमी ही है ना। कहा जा रहा है कि दोनों का ही नेटफ्लिक्स की दुनिया में डेब्यू होने वाला है। ये दोनों हमें कॉमेडी मूवी हर चीज में देखने को मिलने वाले हैं और भाई ये मूवी इन दोनों के रिलेशन की नींव है। साल 2022 के अगस्त से इन दोनों के बीच मोहब्बत की शुरुआत हुई थी। इन्होंने अपना रिलेशन कभी भी हाइड करके नहीं रखा, बल्कि इन दोनों को सेट पर एक साथ मस्ती मजाक करते हुए देखा गया। सेट के बाद भी दोनों एक साथ काफी बार कैमरे में कैद हो चुके हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी इन दोनों ने अपने रिलेशन को ऑफिशियली एक्सेप्ट नहीं किया है। वैसे आपको बता दें कि अगस्त की माँ श्वेता बच्चन को भी सुहाना काफी पसंद है, तो भाई देखा जाए तो इन दोनों का ये इश्क परवान चढ़ सकता है और क्या पता बात शादी तक पहुँच जाए। आपको क्या लगता है कॉमेंट में बताइएगा। नंबर छह, आर्यन खान एंड नौरा फतेही। अब हम बात करने वाले हैं ऐसे कपल के बारे में जिस पर शायद आपको यकीन ना हो, लेकिन कहते हैं कि बात वहीं उठती है जहां कुछ न कुछ होता है। तो आपको बता दें कि शाहरुख खान के शहजादे आर्यन खान नौरा फतेही के साथ डेटिंग कर रहे हैं और दोनों की ये अफवाह आग की तरह हर तरफ फैलती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये दोनों इस साल के सबसे ट्रेंडिंग कपल की लिस्ट में शामिल किए गए हैं। इस बात का खुलासा तब हुआ जब इनके एक फैन ने नौरा और आर्यन के साथ अलग अलग फोटोज अपलोड की, लेकिन जो व्यू था वो एक ही था, इसलिए लोगों का मानना है कि ये दोनों एक साथ ही थे और दोनों डिनर डेट कर रहे थे और तभी फैंस ने इनके साथ ये फोटो भी ली थी। अब बात
इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कहना मुश्किल है। नंबर 7, अरमान मलिक एंड आशना श्रॉफ। दोस्तों अब हम बात करने वाले संगीत के एक बेहतरीन कलाकार अरमान मलिक की, जो कि आजकल भाई आशना मलिक के साथ सुर्खियों में छाए हुए हैं, और हो भी क्यों ना, आखिर दोनों एक साथ काफी बार देखे जो गए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हाल ही में 28 अगस्त 2023 को अरमान मलिक और आशना श्रॉफ की एंगेजमेंट फोटो भी सामने आई है, जिसमे अरमान मलिक घुटनों पर बैठकर आशना को रिंग पहनाते हुए नजर आ रहे हैं। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर आशना श्रॉफ की ये कहानी साल 2017 से शुरू हुई थी, जहां ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे थे और फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने अपने रास्ते अलग अलग कर लिए। लेकिन फिर साल 2019 में दोनों एक साथ नजर आए और अब इनका अलग होने का कोई प्लान नहीं है, बल्कि सुर्खियों की माने तो ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही अरमान आशना को दुल्हनिया बनाकर अपने घर ले जाएंगे। नंबर 8, दिशा पटानी एंड लेजेंडर एलेक्स। चलिए बात करते हैं दिशा पटानी के बारे में, जो कि भाई जैकी श्रॉफ के घर की बहू बनते बनते रह गई। जैसा कि हम सब जानते हैं, कुछ समय पहले टाइगर और दिशा का प्यार परवान चढ़ रहा था, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि भाई दोनों ने एक दूसरे से रिश्ता खत्म कर दिया। और अभी प्रेजेंट की बात करें तो दिशा अपने बेस्ट फ्रेंड अलेक्जेंडर एलेक्स के साथ है। ये टाइगर श्रॉफ के समय से दिशा के काफी अच्छे दोस्त रहे हैं, और फिर ब्रेकअप के बाद तो ये दिशा के और भी ज्यादा करीब आ गए, और हर जगह अब दिशा और अलेक्जेंडर ही नजर आते हैं। इसलिए ये देखकर तो सबको यही लग रहा है कि ये दोस्ती प्यार में बदल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि इस दोस्ती की वजह से टाइगर दिशा से अलग हुए हो, कहना मुश्किल है। चलिए अब बॉलीवुड का पिटारा बंद करके हम चलते हैं और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आप हमारे पेज पर नए हैं और अभी तक हमारे पेज को फॉलो नहीं किया है तो पेज को फॉलो जरूर कर ले, ताकि जब भी हम ऐसे दिलचस्प और जानकारी से भरे वीडियोस अपलोड करें तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।